सर, आज इस बहुत गंभीर विषय पर, सूखे पर जो चर्चा हो रही है, सर आज सूखे की परिस्थिति से पूरे देश में एक संकट का वातावरण बना हुआ है। ज़्यादा बारिश, सूखा, अकाल, सारी ऐसी जो स्थितियां उत्पन्न होती है, ये मानवता पर एक तरीके से कहर बनकर टूट पड़ती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इसमें जो पिछले कुछ समय में एक्सेसिव मानसून के कारण जो तकलीफ हुई, उस सब के तकलीफ को हम लोगों ने देखा है, वहाँ के लोगों ने उसको झेला है। सर, पिछले 3 वर्षों से सूखे की स्थिति को पूरा देश और स्पेशली कुछ राज्य बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं। कहीं बारिश बिल्कुल नहीं है तो कहीं बहुत थोड़ी है। सर, गवर्नमेंट मशीनरी, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि कौन सी सरकार ने क्या किया। सूखा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है, सूखा ये देश की समस्या है। जो भी सरकार है, उसने उस समय जो भी उचित समझा, अपनी सारी मशीनरी जो है वो पूरी ताकत से इस स्थिति को निपटने के लिए लगा दी गई है। सर, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर सारी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। जो जो मुमकिन सहायता उपलब्ध कराना है वो कराई जा रही है। सर, देश के कई हिस्सों में बहुत विचित्र स्थिति है। खेती तो दूर, पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रजनीताई ने जैसा अभी बताया, हम दोनों महाराष्ट्र से ही आते हैं। रजनीताई का गुस्सा एक अलग बात पर हो सकता है, कि क्योंकि वो डायरेक्ट लातूर से आती हैं, उस स्थिति को डायरेक्टली सुबह शाम उनको देखना पड़ता है, लातूर बीड़ जो जिला है वहाँ पर। पवार साहब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन जब वो कुछ भी कहते हैं तो हर सदस्य गंभीर रूप से उनकी बात को सुनता है, उनकी हर बात जो होती है उसको एक सलाह के रूप में लिया जाता है। लेकिन सर, हमको ये देखना हो, महाराष्ट्र में स्थिति लातूर में इतनी गंभीर थी कि ट्रेन से पानी भेजना पड़ा। सब लोगों ने कहा कि रेल मंत्री को हम बधाई देते हैं। सर, सूखे से निपटने के लिए जो पानी भेजा जा रहा है, उसके लिए बधाई देने के बजाय मैं समयबद्ध तरीके से इमीडिएट एक्शन लेने के लिए सरकार की और रेल मंत्री की, महाराष्ट्र के सरकार की बहुत सराहना करता हूं। सर, मैं सर ये ज़रूरत में अगर सरकार काम आती है तो इससे बड़ा और काम लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकता है। सर, ये स्थितियाँ उत्पन्न क्यों होती है हम लोगों को, मैंने हमेशा जब जब भी मुझे मौका मिला, मैं पहली बार का सदस्य हूँ, जब जब भी जितने समय मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने हमेशा एक चीज़ को कहने का प्रयास किया। समस्या आने पर निपटना एक अलग चीज़ है, लेकिन व्हाई दिस इज हैपनिंग, हम लोग जब तक इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, हम लोगों की ये प्रक्रिया बोलने की और समस्याएं आने की चलती रहेगी। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। सर, मैनमेड प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, अर्बनाइजेशन को रोकना, रिवर लिंकिंग कराना, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अगर ये चीज़ें रुकती हैं तो उसके बाद में फिर हम लोग नेचर पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन सूखा और ज़्यादा बारिश, ये कई मैनमेड प्रॉब्लम्स जो है इस तरीके के, उसके कारण भी उत्पन्न होती है। सर, हम कितना भी प्रयास करें, इन चीज़ों को अगर नहीं रोकेंगे तो कोई भी सरकार हो, उसके एफर्ट्स हमेशा कम ही पड़ेंगे। सर, देश के अनेक राज्य इस स्थिति से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और भी अनेक राज्य हैं, लेकिन इनमें स्थिति बहुत ही भयावह है। सर, परिस्थिति यह है कि मैं महाराष्ट्र का ज़्यादा उदाहरण इसलिए दे सकता हूँ कि आंखों से देखा हुआ है। विदर्भ और मराठवाड़ा, स्पेशली मराठवाड़ा, विदर्भ से आता हूँ लेकिन आज मराठवाड़ा का नाम विदर्भ के आगे लेना पड़ेगा, उसकी जो स्थिति है बहुत भयानक है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, पानी की एक बूंद न जमीन में है, न कुएं में है, न खेतों में है। पंछी उड़ते उड़ते आंखों से गिरते हुए लोगों ने देखे हैं। सर, आज भी देख रहे हैं। ऐसी जो स्थिति है, उससे सरकार ने क्या किया, इन आंकड़ों में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, कितना पैसा भेजा, क्या क्या टाइमली सपोर्ट किया, ये उनके उत्तर में आ जाएगा। उसको रिपीट करने की या उनके पहले मुझे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु
न पीने का पानी न सिंचाई के लिए ऐसी जो स्थिति उत्पन्न हुई उससे निपटे कैसे, ये गंभीर समस्या बनी हुई है। सर, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लोगों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी अवेलेबल करने के लिए जो जो व्यवस्था कर सकती है सारी अपनी पूरी ताकत से कर रही है। सर, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आदि विषयों पर स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया है। सर, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि ये प्रयास आज से हो रहे हैं या पहले से हो रहे हैं, लेकिन किस गति से हो रहे हैं, किस स्पीड से हो रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस गवर्नमेंट ने इरिगेशन का बजट, उमा दीदी बैठी है यहाँ पर, मल्टीफोल्ड बढ़ा दिया है। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को वो अपने मंत्रालय के मार्फत सहायता प्रदान कर सके ताकि पानी स्टोर करने में मदद मिल सके। रिवर लिंकिंग का जो विषय है, जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, उसको बहुत तेजी से मोमेंटम मिल चुका है। सर, मैं बहुत कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस साल वर्षा अच्छी हो, ताकि दुर्भाग्य है आप आ गए अंदर। बिल्कुल नहीं, ऐसा है नहीं, सारी सारे प्रयास करने के बावजूद भी ईश्वर से प्रार्थना करना तो हम लोगों का काम ही है। बिल्कुल, बोलने दीजिए प्लीज, ताकि बोलने दीजिए। देश पिछले 3-4 सालों से जो सूखे की समस्या से परेशान है उससे निजात मिल सके। मैं इस सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषि मंत्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन सबको एक साथ में बिठाकर कहा है कि ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, नोडल मिनिस्ट्री एक हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर इसमें हम लोगों को काम करना है, इस समस्या से निपटना है, तो इन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इन तीनों चारों मिनिस्ट्री को एक साथ मिलकर जब तक हम काम नहीं करेंगे, नीरज भाई मेरी बात से आप सहमत होंगे, इन चारों मिनिस्ट्रियों को एक साथ में काम, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए कह रहा हूं मैं, इस जो समस्याएं आई हैं उससे तो हर सरकार निपटती आई है, आज भी निपट रहे हैं, पूरी ताकत से निपट रही है सरकार, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए इन चारों पांचों मिनिस्ट्रियों को एक साथ बैठकर जब तक के हम काम नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है, जो हमारे हाथ में है, मैं ईश्वर की बात इसलिए करता हूँ, पहले हम अपना काम कर लें, उसके बाद उनकी वो क्या करें उसकी अपेक्षा करें। इसलिए मैं इस सरकार जो भी प्रयास कर रही है, मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं इस गंभीर विषय पर चर्चा जो भी हो, लेकिन सरकार के प्रयास की सराहना कर उसका समर्थन कर नैतिक रूप से हम सरकार के साथ हैं, ऐसा एक विश्वास दिलाए ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि इस समस्या के ऊपर में हम सारे एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।